इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपसे मेरे गार्डन में जितने भी जो है समर फ्लावरिंग प्लांट जो इस समय खिल रहे हैं वो मैं आज आपसे शेयर करूंगी। तो ये देखिए, ये स्टार्टिंग में देखिए पिंक रेन लिली का प्लांट है। तो जैसे ही अभी बरसात का सीज़न है तो रेन लिली जितने भी हैं वो अच्छे से जो है फूल दे रहे हैं। ये पिंक है, तो ये देखिए ये वाइट कलर का रेन लिली का प्लांट है और इसमें जो है एक साथ बहुत सारे फूल आते हैं। और इसका जो फूल आने का मेरे प्लांट में हमेशा ही जो है जुलाई के एंड में या अगस्त के पहले हफ्ते में इस तरीके से इसमें फ्लावरिंग होती है, लेट इसमें फूल आते हैं। वैसे बाकी जो मेरा पिंक कलर का फ्लावर प्लांट है उसमें तो जल्दी ही फूल आना शुरू हो जाते हैं, गर्मी में ही थोड़े थोड़े फूल देना शुरू कर देते हैं और बरसात में ज़्यादा फूल देता है। मगर ये थोड़ा सा लेट फूल देता है, मगर जब देता है तो बहुत ज़्यादा फूल इसमें आते हैं। इसके जो है बहुत ज़्यादा बल्ब होते हैं, छोटे छोटे बल्ब होते हैं, इसलिए ज़्यादा इसमें फूल आते हैं। तो ये एक्जोरा है, तो ये देखिए इसमें भी जो है इस तरीके से बिल्कुल बंच में फ्लावरिंग होती है। और इसका भी जो फ्लावर है इसके प्लांट पर काफ़ी दिनों तक जो है बना रहता है। इसके जो फूल होते हैं काफ़ी दिन तक जो है लास्ट करते हैं प्लांट पे। तो ये देखिए बोगनविलिया भी बहुत अच्छे तरीके से जितने भी कलर के मेरे पास हैं तो वो खिल रहे हैं। और ये देखिए मैं वाइट कलर का दिखा रही हूँ आपको, तो वाइट कलर का भी जो है बहुत अच्छे तरीके से फूल दे रहा है और अच्छे से खिल रहा है। और ये देखिए ये पेंटास का फ्लावरिंग प्लांट है, इस पर जो है लगातार जब से मैं इसको नर्सरी से लाई हूँ तो लगातार इस पर जो है फूल आ ही रहे हैं। और जब मैंने इसको बरसात के पानी में रखा तो बहुत अच्छी इसकी जो ग्रोथ हुई है और इसकी जो फूलों की क्वांटिटी है वो भी बढ़ गई है। और ये देखिए ये रेड कलर वाला है, तो पिंक कलर वाला भी है मेरे पास, वो भी मैं दिखाऊंगी आगे आपको। और अपराजिता भी जो इस समय मेरे गार्डन में है, जहाँ भी मैंने इसको लगाया है बहुत अच्छे से फूल दे रहा है। खासकर जो एक जो मैंने बैक साइड जो मेरा बालकनी गार्डन है वहाँ जो एक मैंने बकेट में इसको लगाया हुआ है, एक ही प्लांट लगाया है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है फूल आ रहे हैं। तो ये देखिए इसको मैं एक जैसे एक प्लांट बुश प्लांट की तरह इसको रेडी कर रही हूँ। तो ये देखिए इस पर भी जो है हमेशा फूल आते ही रहते हैं। इसको मैंने खाद दी थी लीव्स को, लीव कंपोस्ट, तो उस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा फूल आते हैं। तो जीनिया का भी जो प्लांट है, जो खासकर जो मेरा जी वाइट कलर का जीनिया है, तो इसमें भी जो है बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हुई है और बहुत अच्छे तरीके से इसमें जो है फूल आ रहे हैं। बाकी कुछ जो है सूख गए हैं प्लांट, मगर जो वाइट कलर का है इसमें बहुत अच्छे से ग्रोथ हुई है और अच्छे से ये फूल अभी तक दे रहा है। ये पेंटास का दूसरा पिंक कलर है और ये टाल वाली वैरायटी है। और ये देखिए इसमें भी है बहुत ज़्यादा फूल आते हैं और इसीलिए ये प्लांट मुझे बहुत पसंद है। तो इसमें और भी बहुत सारे कलर होते हैं, वो भी मैं लाऊंगी अगर मुझे मिलेंगे नर्सरी पे। तो ये भी एक लगभग पूरा साल फूल देने वाला प्लांट होता है पेंटास, और बहुत ज़्यादा गुच्छों में इसमें फूल आते हैं। तो ये देखिए इस समय जो है मेरे गार्डन में जो ट्रम्पेट वाइन है वो भी बहुत अच्छे से जो है अच्छे से फैली हुई है पूरे दीवार पर, और साथ में जो है बहुत अच्छे से फ्लावर भी दे रही है, अंदर वाली साइड भी और बाहर वाली साइड भी, ये दोनों साइड मैंने इसको फैलाया हुआ है, तो दोनों जो साइड जो है अच्छे से फूल दे रही है। तो ये देखिए अडेनियम भी जो है मेरे गार्डन में इस समय खिलना शुरू हो गए हैं और बहुत ही अच्छी इनकी जो है ग्रोथ हो गई है। और इस पे इस प्लांट पे देखिए कितनी ही जो है कलियां आ रही हैं, और मेरे पास जितने भी अडेनियम हैं सभी पर जो है कलियां आ रही हैं और फूल आने वाले सीज़न में कुछ दिनों में ये बहुत सारे जो है फूल खिलेंगे अडेनियम के गार्डन में। और ये मेरा ज़मीन में लगा हुआ है डबल पेटल वाला हिबिस्कस का फ्लावर प्लांट, तो ये तो मुझे साल के 12 महीने ही फूल देते हैं। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तब इसमें जो है थोड़े फूल का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है, साथ में जो है क्वांटिटी भी फूलों की कम हो जाती है, मगर फिर भी इसमें थोड़े थोड़े फूल जो है आते ही रहते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा फ्लावर प्लांट है जो हिबिस्कस होता है, ज़मीन में लगा है तो इसलिए ये और ज़्यादा अच्छे से फ्लावरिंग करता है ये प्लांट। तो ये है मैक्सिकन पेटूनिया, इसमें भी बहुत सारे जो है फूल एक साथ आते हैं और समर में ये अच्छे से फ्लावरिंग करता है, बरसात में जब बरसात के बाद का जो सीज़न है इसमें फूल आते ही रहते हैं। और ये भी मेरे गार्डन में बहुत सारे जो है खिले हुए हैं, इसको मैंने गमले में नहीं लगाया, इसको मैंने क्यारी में ही लगाया है, तो ये एक साथ बहुत सारे ये फूल देता है जब खिलते हैं, एक ही दिन इसका जो फूल है वो रहता है इस पे प्लांट पे। और ये कनेर का प्लांट है और इसमें भी जो है लगातार कुछ महीनों से जो है फ्लावर इस तरीके से आ ही रहे हैं, एक जो है बंच इसका एक खिल के ख़त्म होता है तो दूसरा जो है स्टार्ट हो जाता है, तो इस तरीके से ये भी जो है काफ़ी दिनों से जो है एक दो महीने से अच्छे से जो है फ्लावरिंग कर रहा है। और आने वाले सीज़न में भी जब तक बहुत ज़्यादा ठंड नहीं आएगी
तो ये भी फ्लावरिंग करता ही रहेगा और ये भी मेरे गार्डन में खिल रहा है बहुत दिनों से। तो ये देखिए ये जेट्रोफा है और इस प्लांट पर भी जो है सदा फूल आते ही रहते हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जो आपको लगभग पूरा साल फ्लावरिंग दे सकता है और बिना किसी केयर के चलता है। आप इसको ज़मीन में, गमले में, कहीं भी लगा सकते हैं और जहाँ भी लगाओगे आपको ये हमेशा फूल देता रहेगा पूरा साल। तो इसको भी आप लगा सकते हैं। तो जूफोर्बिया मिली भी जो प्लांट है लगातार खिलता ही रहता है पूरा साल, इसमें जो है थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग होती ही रहती है। तो इस तरह का भी जो प्लांट है हमारे गार्डन में ज़रूर होना चाहिए, कभी भी ये फूलों की कमी नहीं होने देता। इसके प्लांट पे सदा फूल थोड़े थोड़े आते ही रहते हैं। ये गॉम्फ्रीना है और ये भी एक बहुत ही अच्छा समर फ्लावरिंग प्लांट है और इसके जो फूल होते हैं जैसे छोटा सा बॉल होता है उस तरह के होते हैं। तो उसमें जैसे ये पिंक कलर है, एक दो कलर इसमें और भी होते हैं, मगर जो इस जब इसका जो फूल है वो सूख जाए तो उससे आप न्यू प्लांट भी बना सकते हैं। और मेरे इस गमले में बहुत सारे छोटे छोटे इसके ही बेबी प्लांट्स लगे हुए हैं। तो ये देखिए मेरा हिबिस्कस का देसी जो हिबिस्कस होता है सिंगल पेटल के, जिसमें फूल आते हैं, तो ये लगा है ज़मीन में। तो इसमें बहुत सारे जो है फूल एक साथ आते हैं, कम से कम भी 100 से भी ज़्यादा फूल इस पर डेली खिलते हैं। तो एक ब्रांच पे भी बहुत सारी जो है कलियाँ होती हैं, इतना जो हैवी फ्लावरिंग करता है प्लांट। तो इसको मैंने ज़मीन में लगाया हुआ तो फिर ये और अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो ये देखिए ये डबल चांदनी का प्लांट है और इसमें भी बहुत ज़्यादा फूल आ रहे हैं। तो इसमें भी जो है अप्रैल मई से इसमें फूल आ रहे हैं और अभी तक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें फूल आ रहे हैं और आते ही रहेंगे जब तक बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होगी। तो इस तरह का भी जो समर फ्लावरिंग प्लांट होता है हमें अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करना चाहिए, कम केयर में चलता है। और यह है बेजल, बहुत ही खूबसूरत सा एक मेडिसिनल प्लांट होता है जिसमें फूल भी आते हैं और गार्डन में लगा हो तो पेस्ट भी बहुत कम आते हैं गार्डन में। और ये हाइब्रिड विंग का है और ये देखिए सभी पर जो है अच्छे से जो है फूल आ रहे हैं। तो ये भी जो है समर में अच्छे से फ्लावरिंग करता है, लगभग पूरा साल ही इसमें फूल आते हैं। तो ये देखिए देसी बिंका है, देसी बिंका तो बहुत सारे जो खिले हुए हैं और ये आज मैं दिखा रही हूँ जो मैंने छोटे छोटे जो डिब्बों में लगाए हुए हैं, बॉटल्स में लगाए हुए हैं, वो वाले ये देसी बिंका हैं। मैरीगोल्ड भी जो है इस समय मेरे गार्डन में फूल दे रहे हैं और इस समय आप जो है इसकी कटिंग लगा सकते हैं, सीडलिंग तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराने सूखे फूल पड़े हैं तो उनसे आप न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए बटन रोज़ जो है पिंक कलर का, इसमें भी जो है देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है मगर फिर भी इसमें जो है थोड़े थोड़े फूल आना शुरू हो रहे हैं और ये देखिए इस तरीके से इस पर फूल आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये मधुकामनी का प्लांट है और ये भी जो है मेरे गार्डन में बहुत अच्छे तरीके से फ्लावर दे रहा है और एक बार फूल खिल जाते हैं फिर इस पर जो है कलियाँ बनती हैं फिर फूल आते हैं। तो इस तरीके से जो सिलसिला है लगातार चलता रहता है। तो इस तरह के प्लांट आप भी समर में लगा सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग और ज़रूर लगाएं इस तरह के जो समर फ्लावरिंग प्लांट।